देवी भक्तों आओ शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन आपको कराते हैं संकट हरणी देवी के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री के रूप में महमूदाबाद में विराजमान माँ संकटा के दर्शन, साथ ही कराते हैं मंदिर के इतिहास से परिचय। संकटों का नाश करने वाली देवी माँ भगवती का नाम संकटा मैया कैसे पड़ा यह किसी को पता नहीं है। जानकारों का मानना है कि स्थानीय श्री संकटा देवी मंदिर की स्थापना भर राजपूतों द्वारा कराई गई। कहा जाता है कि भर राजपूतों ने कुल देवी पाटन यानी पाटेश्वरी के अंश को लाकर स्थापना की थी। राजपूत किसी भी संकट के समय देवी की विधान पूर्वक पूजा किया करते थे। मान्यता है कि देवी माँ से मानी गई मनोती अवश्य पूर्ण होती है। माँ के दरबार पर दूर दराज जनपदों के साथ क्षेत्र के लाखों लोगों की पूर्ण आस्था जुड़ी हुई है। लाखों भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली जगत जननी माँ संकटा देवी जी के मुख्य मंदिर एवं परिसर में स्थापित करीब दर्जन भर मंदिरों तथा सरोवर में बने रामेश्वरम शिव मंदिर की मनोहारी छटा देखते ही बनती है। मंदिर परिसर में प्रवेश करने के तीन द्वारों में से मुख्य द्वार के ऊपर महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण का भव्य गीता रथ दूर से ही भक्तों को आकर्षित करता है। माँ संकटा देवी के गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा मार्ग में राम दरबार, हनुमान जी, शंकर जी एवं राधा कृष्ण के मंदिर चारों कोने पर स्थापित हैं। वहीं मुख्य मंदिर के सामने सत्यनारायण कथा यज्ञ कुंड के साथ भगवान द्वारिकाधीश, बजरंग बली, काल भैरव, काली माँ, संतोषी माँ, अन्नपूर्णा माँ, जगन्नाथ स्वामी और बद्री विशाल आदि मंदिर स्थापित हैं। यहाँ दीवारों पर लिखी गई प्रेरक सूक्तियाँ लोगों को प्रेरणा प्रदान करती हैं। विशाल सरोवर के अंदर बने रामेश्वर मंदिर में रौद्र रूप में स्थापित भगवान शिव की प्रतिमा की छटा देखते ही बनती है। इस मंदिर एवं शिव मूर्ति की स्थापना नेपाल देश के शिव मंदिर की तर्ज पर की गई है। संकटा देवी मंदिर में प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार, पूर्णमासी, शारदीय नवरात्रि, विजयादशमी, बासंतिक नवरात्रि, शिवरात्रि और रामनवमी के अवसर सहित पूरे वर्ष में 144 दिन मेला लगता है। यहाँ सीतापुर के आसपास के जनपदों सहित पूर्वांचल के कई जिलों के लाखों लोग माँ के दर्शन करने प्रतिवर्ष आते हैं। माँ संकटा देवी इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। धन्यवाद।